फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था. अभी तक की कैसे रिस्पांस मिल रहे हैं लोगों से, आपके फ्रेंड फैमिली से? देखिए ऑनेस्टली मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि 2-2.5 साल बाद एक फिल्म कर रहा हूँ, वो भी आउटसाइड बैनर की. तो ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है, सब इतने सारे विशेज आ रहे हैं, मैंने भी सोचा नहीं था. और सब लोग बोल रहे हैं इस बार तूने एक्टिंग भी की है, तो अच्छा भी लगता है, मजाक भी उड़ता है. बट इट्स नाइस कि यू नो आप मेहनत करो और यू नो उसको जनता सराहती है, तो अच्छा लगता है. फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त, ट्विटर पे, यू नो पहले ट्विटर पे सिर्फ गाली पड़ती थी. तो अच्छा लग रहा है, यू नो बिकॉज हम सब आर्टिस्ट हैं, हम सब यू नो अप्रेजिंग जो यू नो काम इसलिए करते हैं कि लोग उसको सराहें, अच्छा लगे उनको, हम लोगों को एंटरटेन कर पाए. तो आई एम वेरी हम्बल्ड यार, मतलब कि लोगों को पसंद आ रहा है. और लोग बोल रहे हैं अच्छा है तुम गुजराती नहीं हो, तुम फिर भी गुजराती मोनोलॉग में बात कर रहे हो. तो बोला नितिन सर ने डंडा लेके इस बार एक्टिंग कराई है. नहीं बस हनी पाजी का गाना है, हनी पाजी एक सुपरस्टार हैं और 2-2.5 साल बाद उनका एक कंपोज गाना आ रहा है, ये उन्होंने कंपोज किया है, कंस्ट्रक्ट किया है और गाया है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी फिल्म को वो ऑनर मिला कि उनका गाना मेरी फिल्म में रहे. और 24 आवर्स में हम 48 आवर्स में नंबर 1 इंडिया में है और नंबर 2 वर्ल्ड में है. आई थिंक नंबर 1 हो ही गया था ऑलमोस्ट वर्ल्ड में भी. सो इट्स अमेजिंग, ये मतलब मैं इतना खुश हूँ, मैंने कभी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था. हाँ जी, अच्छा था, बहुत मेहनत ऑफकोर्स करनी पड़ी बिकॉज मैं गुजराती हूँ नहीं. और मुझे नितिन सर जो हमारे डायरेक्टर हैं और हमारे एक्टिंग कोच थे हेमंत खेर साहब जो NSD से हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो यू नो जनरली हम जब गुजराती कैरेक्टर्स देखते हैं फिल्मों में तो लाउड होता है और लोग ऐसे बात करते हैं फिल्मों में या हमारे दिमाग में जब हम सोचते हैं, बट ऐसा है नहीं. आप मुझसे कोई गुजराती है, लेकिन अगर आप गुजराती नहीं हैं और आप फिल्मों में देखा है या सीरियल्स में देखा है तो ऐसे लगता है इतना लाउड करते हैं, बट ऐसा है नहीं. जब हम अहमदाबाद गए इतने मॉडर्न है वो लोग, और तो हमें लगा कि यार, तो मुझे नितिन सर ने बोला कि अगर आप गुजराती कैरेक्टर प्ले करेंगे तो आपको गुजराती कैरेक्टर के जैसा प्ले करना है. तो हम वहाँ पे 15-20 दिन जाके रहे, हमने देखा. और हाँ आप लोग बताइए मैंने सही किया है कि नहीं. हाँ जी, प्रियंका जी की सगाई हो चुकी है, आज सुबह ही हुई है, तो हाँ जी, क्या विश देना चाहेंगे प्रियंका? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आप सिंगल नहीं हैं, सो दिस पार्टी इज ओवर नाउ, हो जाओ सारे सोबर नाउ. बट आई विश हर ऑल द बेस्ट. आई थिंक वो एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और हिंदुस्तान को उन्होंने बहुत रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में. और उनकी जितनी मैं प्रशंसा करूँ उतना कम है. उन्होंने जितना इस देश के लिए किया है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे हम सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करते हैं, जैसे हम लिएंडर पेस के बारे में बात करते हैं, जैसे हम ये सारे खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं, वैसे ही हमें अभिनेत्री या अभिनेता के बारे में बात करना चाहिए, बिकॉज वो भी हिंदुस्तान का नाम उतना ही रोशन करते हैं विश्व भर में. तो प्रियंका चोपड़ा ने बहुत बड़े लेवल पर ये किया है. तो आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. मैं कहूँगा मित्रों 24 सितंबर को जाके हमारी फिल्म देख लेना, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा. क्योंकि 3000 बोलता तारा मोड़ा मात्र 3000 कॉकरोच कम ना पड़िया, पैसे तुम्हारा बाप ने ओड़ा पर झाड़ पर रोके छे. आपको मज़ा आएगा, आपको हम हंसाएंगे और आप निराश नहीं होंगे. एक ऑनेस्ट फिल्म है, हमने सब ने मिल के एक दिल से फिल्म बनाई है और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगे. थैंक यू, थैंक यू.